हेलो एवरीवन, विजय मौर्य टीम सपोवेज एचआर। बहुत कॉल्स आई, बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं लोग बार बार। सर, कौन से महीने हमें 10% पेरोल के अंदर पीएफ काटना है? क्या सारी कंपनीज को मिलेगा या नहीं मिलेगा? उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने आया हूँ। बहुत ध्यान से समझना इस वीडियो को। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी। डिटेल में समझना कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं और ये बेनिफिट किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहेगी। चलिए मैं चलता हूं और आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। देखिए, गवर्नमेंट ने इसका एक नोटिफिकेशन, इसका गैजेट आ गया है, द गैजेट ऑफ इंडिया, हम उस पर बात करेंगे। उसमें क्लियर क्या बताया गया है कि कौन से मंथ होंगे जिनमें आपको 10% पीएफ काटना है, कौन सी कंपनीज होंगी और कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये भी ध्यान रखना, सारी कंपनीज को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं और कौन कौन से वो कैटेगरीज हैं, देखते हैं कहां पर नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो भारत का राजपत्र आया है, द गैजेट ऑफ इंडिया, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लिखा हुआ है। जल्दी से समझ नहीं आ रहा है कि क्लियर कहाँ लिखा है कि 12% हुआ है कि 10% हुआ है। घुमाकर लिखा गया है, सिंपल वर्ड में बोलूंगा, थोड़ा सा घुमाकर लिखा है। अगर आप इसको देखेंगे, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, देखिए ये है ना, गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। देखिए यहाँ पर आएंगे आप, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आप किसको कॉपीज की आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे मंगा सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, समझते हैं। यहाँ क्लियर लिखा है, यहाँ से देखिए आप, एनी एस्टेब्लिशमेंट अदर देन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर को छोड़कर एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑन बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजिस पेबल बाय इट फॉर दी मंथ ऑफ मे जून एंड जुलाई। इन मंथ्स को बहुत ध्यान से देखिए, वो क्लियर कह रहे हैं आपको कि मे जून एंड जुलाई, ये 3 महीने के लिए स्पेशली उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले इसको समझते हैं, घुमा के बताया इन्होंने। अब इसको हम ऐड करेंगे दूसरे पैराग्राफ से, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबल फॉर रिलीफ अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। यानी कि जो भी कंपनीज, जो भी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बेनिफिट ले रहे हैं, और इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बताई भी थी, बनाई भी थी कि इसके बेनिफिट क्या है, कि कंपनी का जो पार्ट होगा वो गवर्नमेंट आपको दोबारा दे देंगे, यानी मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, ठीक है ना। अगर आप जोड़ेंगे तो पूरे 6 महीने के लिए उन्होंने प्रोविजन दिया था स्टार्टिंग में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए, ठीक है। आज ये जो 12% से 10% हुआ है, तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि जो भी कंपनीज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बेनिफिट ले रहे हैं उनको 12% ही काटना है, 10% नहीं काटना, क्योंकि आप दो बेनिफिट एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है, कि आपका पूरा का पूरा अमाउंट भी गवर्नमेंट माफ कर दे और आप कंट्रीब्यूशन भी कम पे करें। तो इसमें बिल्कुल क्लियर तो घुमा के लिखा है, बट मैं आपको बता रहा हूं यही चीज है। अगर आप इसको ऐड करेंगे, समझेंगे, तो गवर्नमेंट ने यही बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट, जो एलिजिबल है किसी के लिए उनके लिए ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ उनके लिए है जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सो मई, जून एंड जुलाई में आप अपने पेरोल में 12 की जगह 10% पीएफ काटिए, और इसकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है कि कौन कौन से अकाउंट में कितना जाएगा। हमारी इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, सो देट आपका पीएफ का चलान और पेरोल गलत प्रोसेस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है इसको लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। मैं अपनी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ, अपना नंबर और टीम का कॉन्टैक्ट नंबर, पूरी टीम का नंबर पेस्ट कर दूंगा, कॉल कर लेना, हम पे डिस्कस कर लेना,
हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। सो क्लियर, फाइनली मैं आपको बता रहा हूं 12% से 10% हुआ है मई जून जुलाई, बट उनके लिए नहीं है जो लोग पीएम जी के वाई में है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बेनिफिट ले रहे हैं। ऑल राइट, मैं विजय मौर्य आपको फिर नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पर दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। विजय मौर्य टीम सपोवेज एचआर, बाय।